फिरोजाबाद के थाना सेसागंज क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना लड़की के परिजनों को दी गई। परिजनों के पहुंचने के बाद इलाका पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच सब कब्जे में ले लिया गया व पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल के लिए भिजवा दिया गया। पूरा मामला दहेज का बताया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि दहेज की खातिर ससुराली जन लड़की को अक्सर परेशान करते थे। फिरोजाबाद से अमित पारसा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। आपका राकेश नाम है। राकेश जी, आपकी बेटी की मौत हुई है, वो कैसे हुई है और क्या कारण रहा इसके पीछे? मैंने, मेरे पास खबर गई तो मैंने जाकर देखा तो लड़की अंदर से दरवाजा लॉक था, फांसी पे लटकी हुई थी, है ना। उसके बाद हम थाने गए, थाने में इतला की जा करके, पुलिस आई, पुलिस ने उसको ताला तोड़ा या काटा मैंने नहीं देखा। मैं बाहर बैठा हुआ था, फिर मुझे बुलाया गया तो मैंने लड़की पंखे पे से उतारी, उसके बाद मुझे बाहर निकाल दिया गया। बाहर बैठा रहा, उनने दिखाया सबको मगर मुझे देखने को नहीं मिली लड़की। उसके बाद सील कर दी हम लोग को, फिर थाने ले गए। वहीं थाने पंचनामा भरवाया गया, उसके बाद फिर बैठा ले रहे, टाइम बीत हुआ। उसके बाद लड़की पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई तो मैं अपना परिवार लेकर अपने घर पहुंचा। मेरे भाई भानेज, मेरे दामाद भतीज दामाद, वो यहाँ पर मौजूद हैं लड़की के पास। उसके बाद मैंने लड़की की शादी की। पहले शादी करने के बाद उसे दहेज दिया, पोस्ट को दहेज देने पर भी वो बाज नहीं आया। बाज नहीं आने के बाद पैसे मांगता रहा, लड़की को मारता रहा। दारू का उसका क्रम था, दारू सुबह शाम पीना, लाठी से मारना, परेशान थी लड़की, जीना उठना बैठना खाना पीना उसका हराम था। मतलब क्या मानते, इसी वजह से उसने आत्महत्या की, वजह से उसने आत्महत्या की। रोज डेली मारना, खाना नहीं खाने देना, जूते से मारना, कंचुली से मारना, चिमटे से मारना, छुरी से मारना उसका काम था।